हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जामिता में। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको ट्रांसपोज के बारे में पता होना चाहिए इस लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है? बाकी बहुत आसान था और उसका रिविजन हम यहाँ पे भी कुछ करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 100% मैं श्योर हूँ, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। सो बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई। सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज, पहली कंडीशन मेरी यहाँ रखी गई। मैंने क्या बोला? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स लेट बी इट इज ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। मैंने क्या बोला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको मैं सिमेट्रिक का बोलूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अब ये कंडीशन है मेरी कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैंने क्या बोला भाई कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक मैट्रिक्स कैसी होगी? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है? और उसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो उसी मैट्रिक्स के जब इक्वल होगा तब मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरे क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चीजें क्लियर हुई? नहीं हुई तो एक एग्जाम्पल देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर है लेट बी इज, मान लो मैंने ऐसी कोई मैट्रिक्स ले ली, ये 2×2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट है, एंड मैंने लिया इसका ट्रांसपोज, मैंने लिया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लीजिए। मैंने फर्स्ट रो देखी थी 1×2 है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो देखी थी मैंने 2×3 है, सो दिस बिकम सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। नाउ अगेन दिस इज योर 2×2 मैट्रिक्स, ठीक है? सो अब इन दोनों को चेक कीजिए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है? तो मैंने देखा जी मेरा हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। मैंने ट्रांसपोज लिया, मैंने रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। चीजें क्लियर? आसान, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है? चीजें क्लियर? पहली चीज, अब जब हम ट्रांसपोज लेते थे तो एक चीज हमने सीखी थी वहां पे कि भाई जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मेरा ए आई जे जो है, यानी कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं लूं कि मेरा ए 1×2 है, जैसे मैंने यहाँ बोलिया ए 1×2 है, वो जब मैं ट्रांसपोज लूंगा उसके बाद ये 1×2 वाला एलिमेंट जो है ना, 8×2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 8×2 1×2 जो है वो 2×1 बन जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ए आई जे जो है वो ए जे आई बन जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद, क्योंकि मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देता हूँ। ऐसा ही करते हैं ना, रो थी उसको कॉलम बना दिया, कॉलम था उसको रो बना दिया। तो आई क्या बताता है? आई थ्रो, तो कहाँ चला जाएगा? आईथ कॉलम में चला जाएगा। जे थ्रो मतलब जेथ कॉलम में चला जाता है, सॉरी जे थ्रो में चला जाता है। चीजें क्लियर? मतलब इंटरचेंज हो जाता है। एक ये भी चीज सीखी थी हमने, ये सुनो जी, बिल्कुल सीखी थी। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स का आप जब ट्रांसपोज लोगे तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली डायगोनल एलिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट कैसे थी? ए 1×1 है मेरा, तो इस 1 को आगे ले आओ, उसको पीछे ले आओ, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कौन सा 1 पहले लिख रहा हूँ, कौन सा 1 बाद में लिख रहा हूँ, 1 तो 1 होता है। सो इट मीन दिस ऑलवेज बी ए 1×1, ये 1 था, ये 1 ही रहा। दिस इज योर ए 2×2, ये देखो ए 2×2 हमेशा ए 2×2 रहेगा, चाहे कोई भी मैट्रिक्स ले लो। तो ट्रांसपोज में कभी भी, ठीक है, ए आई आई वाले एलिमेंट्स जो है वो चेंज नहीं होती, यानी डायगनल एलिमेंट्स सिंपली मैं बात करूँ। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। लाइक मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स है, चलो कुछ और लिख लेते हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है जी, कि मेरे मैट्रिक्स ए है। सो अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए, दिस इज योर फर्स्ट रो 2×4×5 बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम,
थर्ड रो बिकम थर्ड रो, चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था आपको, 2, 3, 7 ये जो मेरा डायगनल एलिमेंट है ये हमेशा ही मेरा डायगनल एलिमेंट रहेगा, ट्रांसपोज लेने से डायगनल एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे बेस मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जी मेरे को कोई मैट्रिक्स ए देगा वो, ठीक है, और बोल देगा उसके डायगनल एलिमेंट बताओ या उसका ट्रेस ट्रेस बताओ। ट्रेस हमने क्या सीखा था, सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स, दिस इज योर 1 + 3। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स का ट्रेस पूछा तो अभी आपका आंसर क्या होगा जी, उसके डायगनल को ऐड कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। आपको कई बार थोड़ा सा घुमा के बोलेगा कि मैट्रिक्स ए मेरे पास ये गिवन है जी, उसके ट्रांसपोज का ट्रेस बताइए क्या होगा। उसके ट्रांसपोज का ट्रेस लोगे तो भी वही होगा 1 + 3। तो मैं डायरेक्टली, मुझे ट्रांसपोज निकालने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर थोड़ा सा और घुमा के देगा वो कि मैट्रिक्स ए है जिसके डायगनल एलिमेंट 1 और 3 है, जिसके डायगनल एलिमेंट क्या है 1 और 3 है, मुझे उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है एंड देन मुझे उसका ट्रेस बताना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट 1 और 3 दे दिया मुझे, और फिर वो बोलेगा फाइंड द ट्रेस ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो इट्स वेरी सिंपल कि भाई डायगनल एलिमेंट हमेशा सेम रहते हैं, उनका सम वही होगा। सिमिलरली मैंने जैसे यहाँ बताया डायगनल एलिमेंट मेरे क्या है, सेम है, ठीक। लेकिन डायगनल एलिमेंट तो सेम है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना, फिर से ए ट्रांसपोज जो है एक इक्वल है, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, चेक कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स क्या है, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 6, 4, 3, 6 and 5, 6, 7, 5, 6, 7। ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, दिस इज योर A12, ये क्या बन जाती है A21, मतलब ये यहाँ आएगा, और ये मेरा क्या है A21 है जो कि क्या बन जाएगा A12 बन जाएगा, यस और नो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अब देखो ट्रांसपोज लेने पे मैट्रिक्स तो वही की वही रह रही है, इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपका AIZ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AJI के इक्वल मिलेगा, AIZ जो है AJI के इक्वल मिलेगा, इस कंडीशन को याद रख लेना, ठीक है। इन जनरल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ट्रांसपोज लेने पे मेरे डायगनल एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अदर एलिमेंट्स जो होते हैं AIZ जहां I इज नॉट इक्वल टू J, इन जनरल यू कैन से I इज नॉट इक्वल टू J की अगर मैं बात करूं, जहां IJ के इक्वल नहीं होता है वो एलिमेंट हमेशा इक्वल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल A12 इज इक्वल टू A21, दिस इज योर A13, दिस मस्ट बी इक्वल टू A31, दिस वन A23 इज इक्वल टू A32, चीजें क्लियर। यानी मैं डायगनली ऐसे चेक कर सकता हूँ, ये देखिए डायगनल को छोड़ दो क्योंकि ये तो सेम ही रहता है, बाकी एलिमेंट्स को ऐसे मिला दो, ये सारे हमेशा इक्वल मिलेंगे, तभी एक मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चीजें क्लियर, इजी। अच्छा, आपसे जनरली पूछा जाए कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो मेरा फर्स्ट मेथड तो यही रहता है, फर्स्ट मेथड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पूछा जाए तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों इक्वल दिख रही है, बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड मेथड जो मैंने आपको अभी अभी बताया, एक तरह से शॉर्टकट बोल सकते हो आप उसको, डायगनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी टेपर्ड एरो बना लो, ये एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चीजें क्लियर, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से चीजें क्लियर होगी। देखिए इसको हटा दो, तो उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आया, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट होप सो समझ में आया, पूछ लीजिए। सो हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो चुके थे एक्सरसाइज 3.3 में, मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7, इसने क्या बोला, शो दैट मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है, शो दैट मैट्रिक्स ए 1-1, 5 -1, 2, 1 and 5, 1, 3। इसने बोला कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन मेरे से ऑब्जेक्टिव में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, वो मेरे से डायरेक्टली क्या पूछेगा, वो क्या पूछेगा
कि ये मैट्रिक्स कैसी है, चार ऑप्शन दे देगा, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, दो बोथ है, नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। पूछने का तरीका बदल जाएगा लेकिन चीजें वही रहेगी। तो जब आपके पास ऑप्शन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स दिखेगा तो आपके पास एक ही चेहरा होगा कि भाई द फर्स्ट मेथड इज इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, पहला मेथड जो बता रहा हूँ, दूसरा की बात करेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट रो, बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बना दीजिए सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को बना दीजिए थर्ड कॉलम, चीजें क्लियर? दैट्स इट। अब चेक कीजिए कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम है। यस, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम? जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-1, 5 इज द फर्स्ट रो, 1-1, 5 इज द फर्स्ट रो, -1, 2, 1, -1, 2, 1, 5, 1, 3, 5, 1, 3, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ए इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट, प्रूव बोला तो हेंस प्रूव्ड, अदरवाइज द आंसर इज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्रांसपोज लीजिए, चेक कर लीजिए। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब डायगनल को छोड़ दो, बाकी मिला लो, देखो माइनस वन जो है माइनस वन के इक्वल है, ऐसे मिलने चाहिए एलिमेंट्स जी, बिल्कुल। फाइव फाइव के इक्वल है, वन वन के इक्वल है, इसका मतलब मुझे ट्रांसपोज निकालने की जल्दी, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बाय ऑब्जर्वेशन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, देयरफॉर इट इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। एक और मेथड अगर चाहो तो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है वो रो और कॉलम एक मतलब कि बराबर होते हैं। जैसे ये मेरी फर्स्ट रो है, नीचे वाला मतलब 1-1, 5, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम होंगे, 1-1, 5, 1-1, 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम कीजिए, -1, 2, 1, -1, 2, 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए, दैट इज आल्सो इक्वल, ठीक है। एक और चीज मुझे मिलती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए द फर्स्ट वन, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये भी कर सकते हो, एंड द थर्ड थिंग जो होती है वो रो और कॉलम क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग रोस एंड कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग मीन फर्स्ट रो फर्स्ट के सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल होती है, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम के इक्वल होती है, एंड शो ऑन जितने भी आपके हों, क्लियर? इट्स वेरी क्लियर। सो ठीक है जी, हो जाएगा, दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। डेफिनेशन सेम है, चीज रहेगी, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, बस उसको समझ लीजिए। सो अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक के बजाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहूंगा, कब कहूंगा भाई, कब कहूंगा मैं उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? द कंडीशन इज इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, तब मैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने ली एक मैट्रिक्स, लेट मी दिस ए मैट्रिक्स 2x2 की ले लेते हैं, मान लो ये मैंने मैट्रिक्स ले ली एक, ठीक है जी, ये मेरी एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर मैं क्या लेता हूँ इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो देखिए क्या हो, रो को कॉलम, कॉलम को रो, फर्स्ट रो इज दिस, तो दिस बिकम 0, 2, सेकंड रो इज दिस, दिस बिकम योर -2 एंड 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, यही ट्रांसपोज होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं, इक्वल नहीं है सर, ये 2 है, ये एलिमेंट -2 है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, यानी मैं -a निकालता हूँ, क्या होगा, -a निकालने का मतलब पूरी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए, क्या होगा, क्या होगा भाई, जस्ट साइन चेंज रहेगा हर एलिमेंट के, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, सो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट -1 × 2 करोगे दिस बिकम -2, -2 × -1 दैट यू गेट +2 हियर, एंड द लास्ट वन इज 0 एंट्रीज। सो अब ध्यान से देखिए, अब आपको यहां से मिल रहा होगा कि जो मेरा ए ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल मिल रहा है, यस और नो, जो बिल्कुल 0, द फर्स्ट एलिमेंट इज 0, -2, -2, 2, 2, 0, 0, यानी ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, नेगेटिव ऑफ a के इक्वल मिल रहा है, इट मींस दिस मैट्रिक्स a इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज इट क्लियर? सो जो मैट्रिक्स a है वो क्या है, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज इट क्लियर? इजी, वेरी इजी, ठीक है।
अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे लास्ट जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि वहां पे ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होता है। जैसे ये बात थी सिमेट्रिक की, स्क्यू की नहीं। स्क्यू में क्या हो रहा है, ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये अगर 2 है तो दिस इज योर माइनस 2। यस और नो? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, वहां पे नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो इन जनरल इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जे आई के इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ जे आई के इक्वल होगा। यानी कोई भी एलिमेंट लिया, मैंने 2 लिया, उसका नेगेटिव माइनस 2 है यहां पे। इस टाइप से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, ऐसे मिलेंगे पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने लास्ट, अगर मैं इसी की ऑब्जर्वेशन से बात करूं तो मैं जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके बारे में क्या बोलूंगा कि भाई ए आई आई जो है वो माइनस ए आई के इक्वल होना चाहिए। जब आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई और जे इक्वल होने का मतलब मैं बात कर रहा हूँ डायगोनल एलिमेंट्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? डायगोनल एलिमेंट्स की। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा होगा ना जैसे हमारे लास्ट में था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या ट्रांसपोज जब हम भी लेते हैं तो हमें पता है कि जो मेरे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इक्वल ही रहते हैं दोनों कंडीशन में। चाहे आप ट्रांसपोज से पहले की बात करो या ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स की बात करो, दोनों के डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया। बट यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरी ये कंडीशन है, क्योंकि जब नेगेटिव, क्योंकि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? नेगेटिव ए के इक्वल है। तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट जो ट्रांसपोज लेने के बाद चेंज होगा वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो नेगेटिव ए मिलेगा। So, उससे मुझे मिली ये वाली कंडीशन, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये मिला है। अब इसको इधर लेके आइए, दिस बिकम योर ए आई आई और ये इधर आएगा तो प्लस ए आई होल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। एट देन टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स टू तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब ए आई आई इज जीरो। ए आई आई जीरो का मतलब ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी डायग्राल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? जीरो। तो ये पॉइंट नोट करके रख लेना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का सबसे पहला तरीका यही होगा कि डायगनल एलिमेंट्स की क्या मिलेंगे? जीरो। क्या मिलेंगे? जीरो। डायगनल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं सो दिस वुड बी जीरो, वो हमेशा क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है जी। तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बात की, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, बट इन केस ऑफ स्क्यू माइनस साइन लग जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी कि मेरे डायगनल एलिमेंट जो क्या होते हैं वो जीरो होते हैं। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। चलो एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी। ये हटा देता हूँ चीजें मैं। कैसे चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? ठीक है, जो डेफिनेशन बोलती है ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, कभी भी कुछ भी भूल जाओ ये चीजें करके देखो, यू गेट योर आंसर। सो द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज, एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है जी 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है। इसने बोला क्या है? शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला है भाई कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये मुझे प्रूव करके दिखाइए। तो इन जनरल आपसे क्या पूछेगा? मैंने क्या बोला कि भाई ये है कि नहीं है वो पूछेगा, यस और नो, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, या फिर सिंपली बोलेगा मैट्रिक्स ए ये गिवन है बताइए क्या है। ऑप्शन देगा 4 कि कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो अगर मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑप्शन कहीं पे भी मिलता है तो मेरे पास एक ही मेथड होता है जी, इसका लीजिए ट्रांसपोज। पहले क्या लोगे? ट्रांसपोज। तो अगर मैं ए डैश निकालता हूँ यानी इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो रो को कॉलम, कॉलम करो, दिस इज योर फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, यानी ट्रांसपोज सीखा। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। ठीक है, ट्रांसपोज लेने का एक तरीका और सिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो ए एंड ए डैश इज देयर, रेडी? ठीक है। अब मैंने बोला क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? ठीक है जी, नहीं है, क्योंकि मैंने कोई एक एलिमेंट भी अगर मुझे इक्वल नहीं मिलता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्योंकि हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए, हर एक क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो वो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और था कि भाई इसका नेगेटिव लेके देख लो। सो अगर मैं माइनस ए निकालू यहाँ से तो क्या होगा? देखिए माइनस ए का मतलब हर एलिमेंट को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, तो जीरो को करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, माइनस 1 अगेन प्लस का 1, दिस 0 एज इट इज एंड 1 बिकम माइनस 1, 1 बिकम माइनस 1, दिस माइनस 1 बिकम 1 एंड दिस बिकम 0। अब चेक कीजिए क्या मेरा a डैश जो है वो माइनस a के इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है। 0 माइनस 1 1 इज द फर्स्ट रो, सेकंड रो 1 0 माइनस 1, बिल्कुल सही है, माइनस 1 1 0, दैट्स इट। सो इट मींस a ट्रांसवर्स इक्वल टू माइनस a, दैट्स मीन
मैं बोल सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स कैसी है जी, ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स है जी जी, क्लियर? आई थिंक वेरी क्लियर, दैट्स इट, जी समझ में, इजी, अच्छा। अब बात कर रहा हूँ सेकेंड मेथड कि मुझे ट्रांसपोज लेना ही ना पड़े, तो उसके लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे जो है वो ए जे आई नेगेटिव ऑफ सॉरी नेगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होता है। एंड द सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या मिलेंगे, जीरो। तो देखो पहली कंडीशन तो मुझे देखते ही मिल जाती है कि भाई सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, इसका मतलब पहली कंडीशन सेट है, बट ये नहीं बोलती मुझे कि जिसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं जरूरी नहीं है वो स्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो, ठीक है, या फिर ये कंडीशन, तो दिस और दिस, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे या फिर ये वाली करे, तो मैं बोल सकता हूँ, या ये वाली मतलब ये दोनों कंडीशन, तो मैं बोल सकता हूँ मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एज इट इज जैसे सिमेट्रिक में करते थे वैसे चेक करो, ये और ये एलिमेंट क्या है, ये वन है तो ये माइनस वन है, ये इसका नेगेटिव है, ये माइनस वन है तो ये वन है, ये माइनस वन है तो ये वन है, यानी टेम्पररी डायगोनल को छोड़ के चेक करो ऐसे एलिमेंट, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, अगर ऐसा मिलता है तो इट मीन दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है, इज इट क्लियर, अच्छा। सो इस पे बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चंस करवा लेता हूं जिससे, तो एक तो इन जनरल क्वेश्चन यही हो सकता है कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है वो आपसे पूछे डायरेक्टली, ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है तो मुझे पता होना चाहिए उसके लिए, पहली चीज। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे वो मुझे बताएगा कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे उसके एलिमेंट्स बताने होंगे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं क्वेश्चन देता हूं एक और उससे चीजें आपको क्लियर होगी। देखिए एक मुझे मैट्रिक्स गिवन है ए एंड दैट इज 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 इज देयर माइनस 1 0 3 एंड द लास्ट रो इज x माइनस 3 0। तो अब आते हैं किसने बोला क्या है वो पढ़ते हैं। इसने बोला कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के किस वैल्यू के लिए द मैट्रिक्स ए ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स में एक्स के किस वैल्यू के लिए ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या होगी मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, एक्स की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स जो है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अगेन पहला तरीका तो वही है मैं इसका ट्रांसपोज निकालू और दोनों मैट्रिक्स इसका नेगेटिव ले लेता हूं, पहले ट्रांसपोज निकालो फिर नेगेटिव लो एंड देन हम क्या करते हैं दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बट बेटर वे क्या है, बेटर वे है अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होगा, पहली चीज तो ये नेगेटिव बोल देता हूँ माइनस जे आई के इक्वल होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, ये चलो जी बिल्कुल। और दूसरी चीज इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं जी जीरो, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं जी जीरो, बस ये दो चीजें दिमाग में रहेगी तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहीं से बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज चेक कीजिए कि डायगोनल एलिमेंट जीरो है, जी बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट जीरो है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने कहा ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, जैसे ये वन है तो टेपर लिखा है ये माइनस वन होना चाहिए, ये ए वन टू था ये ए टू वन का नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए ए वन थ्री देयर ए थ्री वन तो ये इसका नेगेटिव होना चाहिए, ये इसका क्या होना चाहिए नेगेटिव, ये माइनस टू है तो यहाँ पे x की वैल्यू 100% क्या होनी चाहिए टू, ये माइनस थ्री है ये थ्री, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ बचा कौन सा x एलिमेंट, ठीक है। तो x मस्ट बी इक्वल टू टू होना चाहिए, दैट्स इट, मिल गया, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, दैट्स इट। तो ये वाली कंडीशन अगर आपको पता है तो फर्स्ट देखो कि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है क्या, जी बिल्कुल सारे जीरो है सर। फिर मैंने ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे चेक किया, ठीक है, तो मुझे मिला ये तो है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ ये बचता है, तो नेगेटिव ऐसे मतलब दिस इज योर ए वन थ्री, अगर मैं बात करूं दिस मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए थ्री वन होना चाहिए, यस सर जी बिल्कुल, ए वन थ्री इज योर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एन एज इट इज, ए थ्री वन मैंने लिखा एक्स, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या टू, तो मुझे इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ सेकेंड्स में हो गया ना क्वेश्चन, तो जस्ट मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट हर जगह वर्क करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो चाहे सब्जेक्टिव टेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें बोलो ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, दैट्स इट, ठीक है। अदरवाइज मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा,
इसका नेगेटिव निकालूंगा, दो काम करने पड़ेंगे, फिर मैं दोनों को मैट्रिक्स को इक्वल भी करूंगा, तो वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है एक तरह से, कर सकते हो वैसे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपनी चॉइस के ऊपर, इजी, दैट्स इट। अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ 3 लिख दिया, कुछ या कोई भी वैल्यू लिख दी, डजंट मैटर अदर देन 0, फिर मैंने बोला कि भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए ये मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो, और भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते ना, तो नेक्स्ट इज योर, दिस मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर व्हिच दिस मैट्रिक्स इज स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये मेरी जो सेकंड कंडीशन है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे इसने दिया भी 3 है, यहाँ पे इसने दिया भी 3 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकते, वहां पे कोई ना कोई एक नंबर बीच में आया हुआ है, तो इट मींस मैं x की किसी भी वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स को स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं बना सकता। तो इस टाइप की क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा के अगर आते हैं, चीज क्लियर। मान लो यहाँ पे x की इसकी बजाय मैं कोई एलिमेंट ऐसे दे देता y, ठीक है, y दे देता मैं कुछ भी, ठीक है, तो फिर अब x y, तो x तो यही रहेगा बट y क्या हो जाएगा, y शुड बी 0, देन इट विल बी स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, वेरिएबल एक से ज्यादा भी आपको दे सकते हैं, चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबसे पहले यही देखो कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है कि नहीं, मैंने देखा 0, ठीक है, सभी 0 है, तो फिर आगे मैं पढ़ सकता हूं। दूसरी चीज एक और बता दो, मान लो इस 1 को मैंने माइनस 1 की बजाय 1 कर दिया, ठीक है, ये एलिमेंट 0 है, ठीक है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई। अब aij जो है माइनस aj के इक्वल होना चाहिए, तो मैंने यहां देखा ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो इक्वल हो रहे हैं, नेगेटिव के इक्वल नहीं हो रहे, इट मींस अगेन मैं x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं बता सकता जिसके लिए मैट्रिक्स क्या हो जाए, स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो बस आपको ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, चीजें क्लियर, ताकि आप क्या कर सको, क्वेश्चन अगर इधर उधर से घुमा के भी पूछा जाता है तो मुझे पता होना चाहिए, दर्ज करके। सो अगर मान लो मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ और अब ये स्क्यू की बजाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे बोलता हूँ तो क्या करते हैं, तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट की कोई बात नहीं होती और ए आई जे जो है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ए आई जे जो है मेरे किसके इक्वल होता है, ए जे के, दैट्स इट, ठीक है जी। सो ये 0 0 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, सिर्फ मुझे ये एलिमेंट देना है, ये 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल होना चाहिए, 3 3 के होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि x जो है 2 के इक्वल होना चाहिए, x ये मान लो -2 होता तो x -2 के इक्वल हो जाता, दैट्स इट, तो वहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं होती, डायरेक्टली इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं होता है सिमेट्रिक के केस में, इजी, इट्स वेरी इजी। चलो एक पार्ट देख लेते हैं इसका, इसी टाइप से क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास। अब इसने 3 वेरिएबल दे दिए मुझे, देखो 2b-1 2b-1 e c 1 0 c 1 g matrix, let me any matrix a is there, so if the matrix this is skew matrix, skew symmetric matrix, is ne bol raha hai skew symmetric matrix jo hai meri kaun se wali hai ji skew symmetric matrix, then find the value of a b c, tab isne bola hai ki a b c ki value aap nikaliye, kiski value nikaliye, a b c ki value aap nikaliye, so skew symmetric matrix mein condition mere paas dono hai ki diagonal element 0 hona chahiye aur a i j jo hai wo minus a j i ke equal hona chahiye, to maine diagonal element dekhe kaun kaun se hai ji, ye wale, yahan pe variable kya mila, ye 0 hai, ye 0 hai, dikkat kar raha hai b, so b must be kiske equal hona chahiye, 0 ke, b kiske equal hona chahiye, 0 ke equal hona chahiye, pehli cheez, clear, easy, आगे बढ़ते हैं, एक वेरिएबल मिल गया ना, दूसरा डायगोनल का काम खत्म। अब ऊपर देखा मैंने कि aij जो है aj के इक्वल होना चाहिए, aij मतलब अगर मैं a12 की बात करता हूं तो a21 यानी कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बट नेगेटिव साइन के साथ, तो इट मींस इसका मतलब a जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -2 के, यहां 2 है तो ये -2 के इक्वल होगा, चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। c जो है किसके इक्वल होना चाहिए, -3 के, ये 3 है तो ये इसका नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो c must be equal to -3, बस 3 वेरिएबल थे, तीनों मिल गए, दैट्स इट, चीजें क्लियर, दैट्स इट, ये 1 जो है -1 के इक्वल मुझे गिवन है, यहीं पे ये स्क्यू की बजाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती सिर्फ, सो पहली चीज तो ये -1 नहीं देता, 1 देता, सो नाउ फॉर दिस वन इफ इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन b कुछ भी हो,
बी मे बी एनी रियल नंबर, ठीक है, बी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी, क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी, तो बी इज रियल नंबर, दिमाग रहा, बी कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अब कंडीशन क्या है, ए आई जी मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है, इसका मतलब दिस ए मस्ट बी इक्वल टू टू, ए जो है टू के इक्वल होना चाहिए, सी जो है वो थ्री के इक्वल होना चाहिए, नॉट नेगेटिव डायरेक्टली, और बी की वैल्यू कुछ भी रख दो डजंट मैटर, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चीजें क्लियर, आई थिंक आसान है, चीजें समझ में आ रही है, आगे बढ़े, सो देखो नेक्स्ट, अगर मैं कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, ठीक है, ठीक है, तो मैं सिंपली लिख देता हूं, चलो इसको सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने क्या बोला भाई कि कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए आप, कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, उनका सम जो है हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, ये मेरी मैट्रिक्स ए है और ये है मेरी मैट्रिक्स बी, चेंज कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स टू 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 मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता लगा, जिस डायगनल एलिमेंट को भूल जाएगी, बाकी जो एलिमेंट हैं, बाकी की जो एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्रॉस बॉन्डिंग, ओ सॉरी ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो आप देखिए डायगनल को छोड़ने के बाद एक ही तो बचता है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मैं बोलूँगा टू इंटू टू के केस में, सो मैं बोलूँगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज आप इनका ट्रांसपोज लेके चेक कर सकते हो, चीज क्लियर, सो इन दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो चेक इट, तो फर्स्ट मैं निकालता हूँ ए प्लस बी, ए क्या है जी 1 3 3 2 प्लस बी, बी क्या है जी 4 7 7 5 4 7 7 5 इस है, चीज क्लियर, यस ऐड दैट, दिस इज योर 5 3 प्लस 7 10 3 प्लस 7 10 एंड दिस इज योर 7, दिस इज योर मैट्रिक्स, चेक इट, डायगनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, ए आई जे जो है ए जे आई के इक्वल है, इट मींस द बोथ सॉरी दिस मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, सिमिलरली अगर आप कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, किसको करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी ऐड करेंगे, तो वो भी आपको क्या देगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगी, यानी भाई सिमेट्रिक को ऐड करने से सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है, चीज क्लियर, दैट्स इट, इजी, आगे बढ़े, ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जिसकी जरूरत है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने क्या सीखा कि भाई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी, एक का एग्जाम्पल दीजिए, दूसरा अपने आप देख लेना, ऐड करके देख लेना, वेरीफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स मेरे पास है, एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, कोई भी बोला मैंने, ठीक है, कोई भी रैंडमली, चलो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये मेरी एक मैट्रिक्स है, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स ए लेता हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर मैं उसमें ऐड करता हूं, तो ये जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मिलेगा, वो मैट्रिक्स कैसी होगी जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, चीजें क्लियर हुई नहीं, कि कोई भी मैट्रिक्स मैंने ली, कोई भी मैट्रिक्स मैंने ली, उस मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, हमेशा वो मेरी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं और उसका ट्रांसपोज उसमें से सबट्रैक्ट करता हूं, यहां मैंने क्या किया, ऐड किया, यहां मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दिस इज ऑलवेज बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई, ठीक है, नहीं हुई तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी। तो बस इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर्टी है आपके पास कि भाई कोई भी मैट्रिक्स आप ए लीजिए, उसमें उसका ट्रांसपोज अगर आप ऐड करोगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। चीज क्लियर, सो इसका ट्रांसपोज लीजिए, पहले तो ट्रांसपोज देखिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, ये बन गया ट्रांसपोज,
अब दोनों को ऐड कीजिए, ए प्लस, सो ए प्लस ए डैश निकल गया, क्या होगा डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, 4 प्लस 4 इज 8, चेक कीजिए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है, तो डायगनल को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, ये एलिमेंट्स का होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, या फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज लोगे तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, चेक कीजिए क्या कोई फर्क पड़ रहा है इस मैट्रिक्स में, जी नहीं, यानी ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है पूरे का वो भी इसी के इक्वल है, तो अगर किसी मैट्रिक्स, लेट मैं अगर इस मैट्रिक्स को पूरी मैट्रिक्स को बी बोल देता हूँ, सो दिस इज योर बी ट्रांसपोज, ये सुनो इसका मतलब बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इजी, इट्स वेरी इजी, फॉर द सेम मैट्रिक्स सेकंड फॉलो करो, ए माइनस ए डैश निकल गया, अब यहाँ पे ए माइनस ए डैश निकल गया, क्या मिलेगा देखिए, अब देखो एक चीज मुझे पता है, ट्रांसपोज लेने पर डायगनल एलिमेंट हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जी बिल्कुल हो जाएंगे, कीजिए 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 3 इज माइनस का 1, 3 माइनस 2 इज 1, एंड 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है, अब ए नेगेटिव चेक कीजिए, इसका नेगेटिव क्या होगा, सॉरी ये क्या, सॉरी ए माइनस ए डैश निकल रही है, अब मुझे चेक करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जी बिल्कुल, डायगनल एलिमेंट 0 है, जी बिल्कुल है, और AIG जो है AJI के नेगेटिव में इक्वल है, इसका मतलब ये मेरी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चीजें क्लियर, दैट्स इट, इजी, समझ में आया, दैट्स वेरी इजी, ठीक है जी, सो अब ये चीजें थी कि भाई कोई भी मैट्रिक्स रैंडम, मैंने कोई भी मैट्रिक्स उठाई और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड किया तो मुझे मिलती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसमें अगर मैंने उसका ट्रांसपोज सबट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चीजें क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान से अगर मैं एक चीज देखूं, ध्यान से देखिए कि मेरे पास a प्लस ए डैश ये क्या है जी, मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और a माइनस ए डैश जो है ये कैसी है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने एक काम किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया पूरे को, ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखा है, ठीक है, सॉल्व करें जी, बिल्कुल कीजिए, हाफ को अंदर लेके जाइए, यू गेट हियर हाफ ऑफ a अंदर जाएगा प्लस हाफ ऑफ a डैश means a transpose, यहाँ half अंदर जाएगा तो plus half of a and minus half of a transpose, क्या चीजें क्लियर हुई, मैंने क्या लिखा, मैंने इसको बोला ये मेरी symmetric matrix है, इसके अभी half लगा दी, क्यों लगाया उसका reason दूंगा मैं, a minus a dash is your skew symmetric matrix, ठीक है जी, उसके आगे मैंने फिर half लगाया, अब मैंने दोनों को open कर दिया, just दोनों को add किया और फिर open कर दिया, यहाँ से मिलेगा कि ये इससे cancel out हो रहा है, half a plus half a किसके equal होगा, simply a के equal, किसके equal होगा, a के equal, ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इस बात से क्या पता लगता है, इस बात से ये पता लगता है जी, ये मैट्रिक्स जो थी मेरी कैसी थी, ये मेरी सिमेट्रिक थी, ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और ये जी ये मेरी थी जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, यस और नो, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए गिवन है और मुझे एक्सप्रेस करना है उसको कैसे, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो हमने अभी भी किया कि भाई ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगी, ये पूरी मैट्रिक्स एज इट इज क्या बन गई, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, और बीच में साइन मैंने क्या कर दिया, प्लस का, तो सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, यानी ये वाली जो मैट्रिक्स होगी जिस मैट्रिक्स ए की बात कर रहा हूं, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लीजिए, आप इसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, कि एक मैट्रिक्स देगा आपको और बोलेगा उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ, इज इट क्लियर, दैट्स इट, सो अब इस पे बेस हम करते हैं एक क्वेश्चन, सो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये मैंने करवा दिया, बताया मैंने एक एग्जांपल देके, ये नहीं लिया एग्जांपल बट दूसरा था, सिमिलरली ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 9 में जैसे ये चीजें पूछी उसने कि ये वाला निकाल के दिखाओ, ये वाला निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की डायरेक्टली,
क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इसको हटा दो। चलो अगर आप चाहते हो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी करवाई देता हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 10 को दो पार्ट कर लेंगे जल्दी। सो क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला उसकी बात कर लेते हैं, चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। कि फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है क्या जी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। For when A is, तो जब A matrix जो है वो मुझे given है, 0AB, 0AB, minus A, minus A, 0C, and minus B, minus C, 0, ये मुझे matrix दी है। इसके लिए मुझे क्या करना है जी, half of A plus A transpose and half of A minus A transpose find out करना है, ठीक है जी, कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर आप, मैं इस matrix को ध्यान से देखो तो ये कैसी matrix लग रही है, कि मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रही है, कैसे डायगोनल एलिमेंट 0 है और ए जी आई और ए आई जे के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के नेगेटिव है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है जी। ये क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव। सो लेट्स चेक इट, जो मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करते हैं इसलिए। सबसे पहला काम इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज क्या होगा देखिए, रो को कॉलम को लोगो रो बना दीजिए, 0AB बिकम फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो माइनस माइनस ए 0C minus A, 0C, this become your second column, third row is this and this become your third column, is it clear? So now we have to find A plus half of A plus A transpose, so half many entities rakha in dono ka, main directly kar sakta hu, I think bachcho ki tarah likhne ki zarurat nahi hai, so 0 plus 0 first element first mein 0, A plus minus A 0, B plus minus B 0, minus A plus A 0, 0 plus 0, 0, C minus, C plus minus C, 0, this is 0, 0, 0, so half अंदर लेके जाओगे तो भी matrix क्या बनेगी, 0, 0, यानी half को अंदर ले जाओ तो ये भी क्या बनेगी, 0, it means this is ultimately a null matrix, क्या बनी मेरी null matrix, यानी half of A plus A transpose is your null matrix, इसका मतलब क्या है, ये कैसी matrix थी मेरी, कैसी matrix थी, मैंने बताया कि ये matrix कैसी है मेरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहां से मुझे पता लगता है कि A ट्रांसपोज जो है माइनस A के इक्वल है, किसके इक्वल है, माइनस A के, तो मैं शॉर्ट तरीका बाद में बताऊंगा, पहले हम फुल फ्लैग मेथड से करते हैं जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम निकालेंगे कि नल मैट्रिक्स कैसे है, वो डायरेक्टली भी निकल जाएगा, पहले चीज क्लियर। सो ये मैंने निकाल दिया, अब इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकाल दिया, अब मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सो 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा जी, बिल्कुल सही, a minus of minus a, minus minus become plus, so a plus a, that is 2b, b minus of minus b, that is plus b, so b plus b is 2b, similarly dekhi, minus a, this become minus a 2a, ye again 0 hi rahega, c plus c, that become 2c, minus b and minus b, minus a 2b, minus a 2c, and the last one is 0, 0, aur half mera bahar hai, that is, ठीक है। अब इस हाफ को अंदर लेके जाओ तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट को अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 को करने से कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं, 2a को करोगे तो मिलेगा 2b, दिस 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 एंड दिस, ठीक है, हर एलिमेंट को मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स A के इक्वल ही मिल रहा है मुझे, यस और नो जी, बिल्कुल, सो दैट्स इक्वल टू मैट्रिक्स A, व्हाई, बिकॉज़ दिस इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या बन रही थी मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही थी। अब इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज सीखने को मिली, क्या मिली जी सर, कि ये वाली मैट्रिक्स क्या है जी, जो मेरी नल मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो यहां तो मैंने ये बताया जी, ये तो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इससे तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलता है, अभी अभी मैंने सीखा कि A + A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना, डायगोनल एलिमेंट्स 0 और बाकी एलिमेंट्स नेगेटिव लो पॉजिटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल रहेंगे, ठीक है, सो दैट्स इट। सो जो मेरी नल मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है, जो मुझे फाइंड आउट करना था मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं बात कर रहा था कि मुझे अगर डायरेक्टली निकालना हो तो देखो, थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप यूज करो, ठीक है, तो क्या होगा,
इस मैट्रिक्स को देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये मैट्रिक्स कैसी है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है, यस और नो? जी बिल्कुल। तो जब मुझे ये निकालना था तो मैं डायरेक्टली इसे कर सकता हूं हाफ ऑफ, मुझे पता है ए एज इट इज, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, मैंने सॉरी माइनस ए रख दिया, ए माइनस ए दैट इज जीरो, तो सिंपली दिस बिकम ए नल मैट्रिक्स। क्या मैंने यही निकाला? जी बिल्कुल यही निकाला, ठीक है। सेकेंड, जब मैं ये निकाल रहा था तो हाफ मेरा एज इट इज, मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मुझे पता है ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, माइनस ए के, तो मैंने यहां रख दिया माइनस का ए, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ए प्लस ए इज 2a, तो हाफ ऑफ 2a, 2 एंड 2 कट कैंसिल आउट, क्या मिला मुझे ए, यही मैट्रिक्स ए तो आंसर आया था मेरा, यस और नो? ठीक, ये शॉर्ट रहते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग में घुस जाए तो, अदरवाइज ये जो फुल प्रूफ मैंने मेथड करवाया तो है, ठीक है, वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए वर्क करेगा, बट यहाँ पे स्पेशली ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी इसलिए मेरा ये काम करके तरीका, ठीक है जी। आगे बढ़े तो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, ठीक है, मतलब दो पार्ट में कम से कम आपको करवाऊंगा इस चीज के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, 100% श्योर हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मुझे मैट्रिक्स गिवन है 3 5 1 माइनस 1, तो लेट मी, मैं इसको ए बोल देता हूं, 3 5 1 कॉमा माइनस 1, ये मैट्रिक्स ए की बना है, और इसे बोला है कि मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स ए को मुझे क्या लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे लिखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हाफ लगा देता हूं प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो दिस इज योर सम ऑफ, ये कौन सी मैट्रिक बन रही है, सिमेट्रिक बन रही है, और ये कौन सी बन रही है, स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है, तो इन दोनों की सम की फॉर्मूला लिखना है, और ये चीजें मैंने बता दी, हाफ क्यों लगाया मैंने, देखो अगर मैं सिंपली ऐसे करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, इससे कैंसिल आउट 2a मिल जाएगा, बट मुझे a चाहिए तो उस 2 को हटाने के लिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया सिंपली, ठीक है, ये मुझे पता है, अगर एक मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड करता हूं सिमेट्रिक मिलती है, उसका ट्रांसपोज सबट्रैक्ट करता हूं स्क्यू सिमेट्रिक मिलती है, और हाफ मैंने एल्जेब्रिकली दोनों को इक्वल करने के लिए लिखा, दैट्स इट, तो बस सिंपली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करो, उनका सम की फॉर्मूला लिख दो सिंपली, ठीक है, कैसे देखते हैं ध्यान से, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है मेरे पास, मैं निकालता हूं ए ट्रांसपोज, देखो बहुत आसान है, ए ट्रांसपोज दिस बिकम 3 5 1 माइनस 1, अभी लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं होगा, अब मुझे एक्सप्रेस करके दिखाना है इसको, ठीक है, 3 1 फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बिकम सेकंड, चीज क्लियर, सो नाउ फाइंड फर्स्ट वन, यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, हाफ एज इट इज, दोनों को ऐड कीजिए, 3 प्लस 3 इज 6, 5 प्लस 1 इज 6, 1 प्लस 5 इज 6, माइनस 1 प्लस माइनस 1 दैट इज माइनस 2, क्या चीज क्लियर, ये सुनो, माइनस हाफ अंदर जाएगा मतलब हर एलिमेंट से माइनस हाफ को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का हाफ दैट इज 3, 6 का हाफ 3, 3 एंड माइनस का होल, दैट्स योर ए प्लस ए ट्रांसपोज इनटू हाफ, ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई है मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा निकालिए, यानी मैं निकालता हूं हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, निकालिए क्या है, हाफ एज इट इज, नाउ सबट्रैक्ट देम, 3 माइनस 3 यू गेट 0, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस का 4, माइनस 1 माइनस 1 दैट बिकम्स 0, देखो अपने आप सिमेट्रिक बन गया, डायगनल एलिमेंट 0, बाकी एलिमेंट्स इक्वल, बाकी एलिमेंट्स इक्वल, डायगनल से मुझे कोई मतलब नहीं होता सिमेट्रिक, हाफ को अंदर लेके जाइए तो हर एलिमेंट का क्या कर दो, आधा 0 तो 0 रहेगा, 4 का आधा 2, माइनस 4 का माइनस 2 एंड दैट इज 0, सो दिस बिकम योर दिस, तो मुझे क्या करना था, मुझे एक मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, मैट्रिक्स ए ही रहनी चाहिए बट ऐसे करना है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैट्रिक्स ए जो मेरी है उसको 3 5 1 माइनस 1, ये जो मेरी मैट्रिक्स थी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज योर दिस मींस 3 3 3 माइनस 1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दिस मींस 0 2 माइनस 2 एंड जी, दैट्स योर फाइनल आंसर, अब आंसर ये इनको ऐड नहीं करना क्योंकि मुझे इसने बोला ही ऐसे है कि मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ, मैंने दिखा दिया, ऐड करके 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 3 प्लस 3 माइनस 2 दैट यू गेट 1 एंड माइनस का 1 प्लस 0 यू गेट माइनस 1, अल्टीमेटली बात ये, यानी मैट्रिक्स ए को मैंने दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, उनमें से एक सिमेट्रिक है दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट्स इट, चीजें क्लियर, सो चलो एक पार्ट और करवाता हूं मैं इसका, बाकी करेंगे आप खुद से, ठीक है, बढ़े आगे,
सेकंड पार्ट देख लेता हूं 23 की मैट्रिक्स हो जाएगी, तो लेट बी मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 अगेन मुझे सेम प्रपोज करना है कि मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सम की फॉर्म. सो फर्स्ट टेक योर ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा था, हाफ एज इट इज, सबको कर दीजिए ऐड, 6 + 6 यू गेट 12, -2 + -2 यू गेट -4, 2 + 2 दैट यू गेट 4, -2 दैट इज -4, 3 + 3 - 6, -1 + -1 दैट इज अगेन -2, 2 + 2 दैट इज 4, -1 + -1 दैट इज -2 सॉरी, एंड 3 + 3 दैट यू गेट 6. ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, अब एक तरीके से देख सकते हैं मैट्रिक्स कैसी लग रही है आपको, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये क्रॉस मैटिंग एलिमेंट्स देखिए क्या है ऊपर, इट मींस दिस इज योर कौन सी वाली मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए जो है मेरी, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल होगा, यानी इसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने वाली है वो क्या आने वाली है, नल मैट्रिक्स आने वाली है 100%. ठीक है, बट मुझे तो एक्सप्रेस करके दिखाना है ना, तो निकालनी पड़ेगी, सो निकाली ठीक है, हाफ को अंदर लेके जाइए, सो दिस बिकम योर हाफ का 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 चेक कर लीजिए मैट्रिक्स ए की इक्वल आया कि नहीं, बिल्कुल वही मैट्रिक्स मिल गया, सो दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, सिंपली क्लियर. सो नेक्स्ट इज हाफ ऑफ क्या निकालता हूं मैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए, हाफ एज इट इज, 6 - 6 - 0, -2 - 2 दैट इज योर माइनस ऑफ माइनस टू करना है तो दिस अगेन 0, 0 सब क्या आएगा 0, सोचने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, अल्टीमेटली दिस इज योर नल मैट्रिक्स, क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगा. ठीक है, या हाफ को अंदर ले जाओ 0 0 रहेगा, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस नल मैट्रिक्स, हाफ अंदर ले जाओ तो ये भी क्या रहेगा 0 0, दैट्स इट. सो दिस प्लस दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, इजी, आई थिंक बहुत इजी, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. सो दैट्स योर ऑल अबाउट सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, ऐसे जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं. ये मुझे गिवन है तो बोला अभी ये क्या है. ठीक है, ऑप्शन दे दिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है, क्या है उसके बारे में बताइए. सो अब ध्यान से देखो, सिर्फ मुझे ट्रांसपोज की बात कर रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक बोल हाँ, तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, तो मतलब इससे ट्रांसपोज से रिलेटेड, यानी या तो ये स्क्यू होगी या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. चेक करें कीजिए, दोनों को चेक करने का तरीका क्या है कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए गिवन है, मैं उसको कैसे चेक करता हूँ कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो जस्ट मैं उसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ ट्रांसपोज. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को, लेट बी ये मैट्रिक्स को मैं वाई के इक्वल बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं वाई का लेता हूँ ट्रांसपोज. वाई का ट्रांसपोज लेने का मतलब इस पूरे का मैंने ले लिया ट्रांसपोज. क्या ये चीज़ क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर. अब आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर मुझे ए प्लस माइनस कुछ भी मिलता है बी और पूरे का ट्रांसपोज लेना हो तो मैं उसको अलग अलग, यानी ए ट्रांसपोज बीच में प्लस माइनस साइन जो भी हो प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकता हूँ. ये सर जी बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कीजिए. सो योर ए इज लाइक ए बी, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैंने अलग लिया. क्या चीज क्लियर? यस और नो? सो दिस इज इक्वल टू वाई डैश. अब ये करने के बाद हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी थी कि भाई अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज मिलता है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी इसका ऑर्डर क्या कर देते हैं चेंज. सेम प्रोसेस यहाँ कीजिए. सो दिस बिकम योर b transpose into a transpose minus this become your a transpose into b transpose. क्या चीज़ क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर. ये सुनो जी बिल्कुल. अब मुझे एक चीज गिवन है कि a transpose a के इक्वल है, b transpose b के इक्वल है. क्यों? क्योंकि a b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो अप्लाई दिस. सो b transpose इक्वल है b के, a transpose इक्वल है a के, minus a transpose इक्वल a के, b transpose है b के इक्वल. चीज़ क्लियर?
अब यहां से मैंने किया लिया माइनस को कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी प्लस और ये प्लस वाली हो जाएगी माइनस। क्या चीजें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। अब आप ध्यान से देखोगे कि ए बी माइनस बी ए, यही तो मेरा वाई था जिसके बारे में बात कर रहा था, ये वाई डैश जो है वो इसके इक्वल निकल के आ रहा है माइनस वाई के। ये चीज मुझे क्या बताती है कि एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज है नेगेटिव ऑफ ए के अगर इक्वल हो तो मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस दैट मैट्रिक्स वाई मींस दिस मैट्रिक्स इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? दैट्स इट। सो दैट्स मींस द करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। अब इससे रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। हाँ देखिए एक दो क्वेश्चन देख लो, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में सिंपली। सो इसको हटा दो मैं, चीजें क्लियर हुई भी इजी है। तो बस इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। दैट्स इट। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स शो दैट ए ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी ए जो है मुझे क्या गिवन है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कोई कंडीशन नहीं गिवन है, ये मुझे क्या गिवन है? स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। और मेरे से पूछा गया है शो दैट, वैसे तो इसने प्रूव करने के लिए बोला है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है ये ऐसे गिवन है आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों ही क्या होगी? मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। इन जनरल हमसे वो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि बताओ भाई अगर ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिंपली पूछेगा, ऑप्शन में देगा सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, जीरो आइडेंटिटी जैसे लास्ट में दिया था कुछ भी दे सकता है, मतलब स्क्यू और सिमेट्रिक के बारे में बात करेगा। सो उसके लिए फिर से मैंने बोला कि y इज इक्वल टू, मैंने a a ट्रांसपोज ले लिया, यस नो? जी बिल्कुल। सो नाउ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो a a ट्रांसपोज का फोर ट्रांसपोज है, यस नो? जी बिल्कुल। सो नाउ अब प्रोडक्ट रूल मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर a b का ट्रांसपोज मुझे मिलता है तो मैं उसको b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज लिख सकता हूं, यस नो? जी बिल्कुल। तो लिख दीजिए। सो पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूंगा मैं एंड देन ए का ट्रांसपोज एज इट इज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल एंड साथ में ए ट्रांसपोज। यहाँ से मुझे क्या मिला कि वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, जब मैंने ट्रांसपोज लिया वापस ही यहीं पहुंच गया, यानी वाई ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल मिल रहा है? वाई के। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम एज इट इज। आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, ठीक है जी? इजी, वेरी इजी। ठीक है, एक जो मैंने लास्ट करवाया था उसी पे बेस्ड गिवन है, बस साइन क्या है? प्लस का, ठीक है। सो क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने बोला कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये मुझे गिवन है। देन इसने बोला कि प्रूव करो कि ए बी प्लस बी ए जो है वो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था, वाई इक्वल टू ये ले लीजिए, फिर लेते हैं y का ट्रांसपोज, तो दिस बिकम योर ए बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अंदर प्लस वाली टर्म है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भी कि इनको कर देते हैं अलग अलग, यानी ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अभी भी पढ़ा कि ऑर्डर हो जाता है चेंज और दोनों का लग जाता है ट्रांसपोज, सेम है यहाँ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अब मैंने पढ़ा कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के, तो चेंज कर दो, दिस बिकम बी ए प्लस ए बी। और इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ए बी प्लस बी ए लिखूं कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? अल्टीमेटली दिस इक्वल टू वाई, तो वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, इट मींस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी, वेरी इजी। चलो एक और करते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो एक और देखिए कि इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर। ए बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर कैसा है? इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है। एंड बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी जो है मेरी कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी क्या है जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल है, ये मुझे दिया। Then write whether the matrix A B A transpose, A B A transpose जो है, is a symmetric or skew symmetric? पूछा गया कि ये कैसी है, भी symmetric है कि skew symmetric matrix है? Same concept लगाइए आप,
मैंने लिया दोनों तरफ ट्रांसपोज, तो दिस बिकम ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, सर हमने तो रूल ये पढ़ा हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। हमने ये तो पढ़ा ही नहीं सर कि ए बी सी के बारे में क्या बात होती है, ठीक है ये पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सिमिलरली तीन चार जितनी मैट्रिक्स हो जस्ट उनका ऑर्डर क्या कर दो, चेंज कर दो ट्रांसपोज होगा। ये हमेशा प्रॉब्लम काम करेगा कैसे, ध्यान से देखिए। मान लो मैंने एक मिनट के लिए इसको बोल दिया एक्स है, ठीक है, सो दिस बिकम एक्स सी का ट्रांसपोज, चीज क्लियर? यस। इसको मैं लिख सकता हूं सी का ट्रांसपोज इनटू एक्स का ट्रांसपोज, यस सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने एक्स किसको बोला, ए बी को, तो एक्स की जगह वापस से मैं लिख देता हूं ए बी का ट्रांसपोज, यस सर जी बिल्कुल। फिर से रूल लगाइए, दिस बिकम सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, मतलब ऑर्डर जस्ट रिवर्स कर दो बस, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो, अगर यहां पे 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो 17 हो डजंट मैटर, चीज क्लियर? So use it here. So this simply become A transpose. ये सबसे last में सबसे पहले आएगा A transpose. और इसका transpose. Second पे B है B transpose. Last पे A है. This become A transpose. A transpose का transpose क्या होता है? A. B transpose L T. That is 8. Sorry. अब B transpose किसके equal है? Minus B के equal. तो this become minus B minus से आता हूँ. B transpose minus B के, क्योंकि इसने बोला कि B क्या है? Skew symmetric matrix है. बाकी इसने कुछ नहीं बोला था. This become like that. अब ध्यान से देखिए. जो मैंने Y dash निकाला, वो किसके equal आ रहा है? माइनस साइन एच डी एंड दिस इज योर वाई, जो मैंने माना था। सो वाई का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव वाई के इक्वल है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक्स ऐसी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मान लो ये बी ट्रांसपोज जो है सिर्फ बी के इक्वल होता तो फिर ये नेगेटिव साइन नहीं आता, ये नहीं आता तो ये कैसी बन जाती, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। सो होप सो आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आई होगी। चलो एक चीज और बता देता हूं मैं, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एनसीईआरटी से। एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसने बोला है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो मुझे y अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 100%। सो क्या करोगे, सिंपली a ट्रांसपोज निकाल लीजिए सर, इजी है। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, दैट्स वेरी इजी, वेरी इजी सर। a प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, cos alpha plus cos alpha this become 2 cos alpha, minus sin alpha plus sin alpha this become 0, sin alpha minus sin alpha you get 0, cos alpha plus cos alpha you get 2 cos alpha, ठीक है जी। और ये क्या बोला, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम क्या होगी, दैट इज सिंपली 1 0 0, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो मुझे यहां से पता लग रहा है ये एलिमेंट तो ठीक है 0 ही है, ये 1 1 है, और यहां क्या है 2 cos alpha, इसका मतलब 2 cos alpha must be equal to 1, or we can say cos alpha must be equal to half. cos alpha half कहाँ पे होता है? जब alpha की value 60 degree मतलब pi by 3 होगी, that's your answer. Is it? Very easy. That's it. चीजें clear? So I think सारी चीजें हो चुकी हैं. एक चीज और है. एक चीज है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं जो दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। इसको ऐसे याद रख लो कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल टू बी ए है, इन जनरल नहीं होता ना, नहीं होता, लेकिन अगर है, अगर है कोई ऐसी मैट्रिक्स मुझे मिल गई जिनका प्रोडक्ट जो है वो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, तभी ए बी इक्वल टू बी ए होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो उल्टा भी, ए बी अगर सिमेट्रिक है और ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी 100% सिमेट्रिक है, पहली चीज। दूसरा रिवर्स ऑर्डर में, ए बी अगर सिमेट्रिक है और ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी सिमेट्रिक है, सॉरी ये तो मैंने बोल दिया कि ए बी का क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए बी जो है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब ए बी इक्वल टू किसके होगा, बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं।
एक लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा आई थिंक। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी एक्सरसाइज 3.4 हमें नहीं पढ़नी है। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, दैट इज योर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है जी? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये टॉपिक है जो लिखा हुआ है सिलेबस में, तो इसका मतलब क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। बस छोटा सा है और वन मार्क क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा भी जा सकता है। क्या होता है कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखी और एक मैट्रिक्स बी है, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, चाहे किसी भी ऑर्डर में, चाहे मैं ए इंटू बी करता हूँ या बी इंटू ए करता हूँ, अगर ये मुझे क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है जी? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो मैं बोलूँगा कि b इज ए इनवर्स ऑफ a एंड a इज इनवर्स ऑफ b। इसका मतलब समझे? नहीं समझे तो देखो ध्यान से। मान लो मैं 5 है मेरे पास एक नंबर, और मैं उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा जी? 1 मिलेगा। नंबर 5 है उसको मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 1। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? 1/5 क्या है जी? ये 5 का इनवर्स है, उल्टा है 5 का। यस और नो? जी बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली मैं 5 क्या है? 5 जी 1/5 का इनवर्स है। 1/5 का उल्टा करके देखिए आपको मिला 5/1 मींस 5, यानी एक दूसरे के क्या है जी? इनवर्स हैं, उल्टे हैं, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के इनवर्स हैं। चीज़ें क्लियर हुई? सो सिमिलरली अब इसको मैं लिखता हूँ 5 × 5^r - 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। 1/5 का मतलब 5^r - 1, यही होता है, दैट्स इट। ऐसा सेम सेंस होता है ना मैट्रिक्स के केस में, कि अगर मैं a इंटू बी करता हूँ या b इंटू ए करूँ, दोनों कंडीशन में क्या क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी? जब ये इनवर्स होगा, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं 5 × 1/5 करूं या 1/5 × 5 करूं, आपको तो हमेशा 1 ही मिलेगा ना। तो सेम बात ये भी बोल रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए, दोनों का प्रोडक्ट जो है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होती है? एक दूसरे की इनवर्स होती है। और वी कैन से बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी। इन जनरल हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? यानी एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई किया जाए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है जी? चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो ये ध्यान रखना है कि सिमिलरली इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई मैं बोल दूँ कि बी जो है वो ए का इनवर्स है, सॉरी बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है? ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। बी इज इनवर्स ऑफ ए, B is inverse matrix of A, we can say. फिर तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन रहेगी ए बी इज इक्वल टू बी ए मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वन मार्कर है जो आपसे पूछा जा सकता है, या तो इस वे में बोलेगा वो कि B is inverse of matrix A, then क्या होगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या फिर मैं बोल दूं कि A is inverse of matrix B, तब भी सेम है, नो प्रॉब्लम। चीज़ें क्लियर? या फिर वो ऐसे देगा और फिर पूछेगा भाई A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये एक दूसरे की क्या है? इनवर्स है। तो इसको आप सिंपली नंबर से समझ सकते हो। चीजें क्लियर? दैट्स इट। अब इसकी एक प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया इसको, ठीक है। बाकी हम इनवर्स की जो बात करेंगे वो डिटरमिनेंट में करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट वाला मेथड बचा है मेरे पास, एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला तो मेरे सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है जी। तो एक प्रॉपर्टी और है, उसको ध्यान रखेंगे कि अगर मैं ए बी का इनवर्स लूँ, ए बी का प्रोडक्ट है उसका इनवर्स लेता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ऐसी चीज़ है ना, जो ट्रांसपोज क्या होता था, ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लोगे तो दिस बिकम बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी अगर मैं क्या करता हूँ, इनवर्स लेता हूँ, ए बी रेस्ट पावर माइनस वन आप बोल दो, या ए बी का इनवर्स की हम बात करते हैं, तो दिस बिकम बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो ये दो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, दो फॉर्मूलेज हैं। अभी जैसे मैट्रिक्स जो जितना मैंने चैप्टर किया वहाँ पे सिर्फ इतना ही यूज हो सकता है, ठीक है, इतना ही यूज हो सकता है। या फिर आपको कोई दो मैट्रिक्स दे आपसे और वो पूछे क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से मुझे यही करना पड़ेगा, मैं ए बी निकालूंगा फिर बी ए निकालूंगा, अगर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो इट मीन्स मैं बोलूंगा यस यस दिस आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सिंपल, बस इसको इतना याद रखें, दैट्स इनफ, ठीक है। बाकी हम डिटरमिनेंट में ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और बहुत जल्द हम इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए